हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम एयरफोर्स में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपनी पूरी एयरफोर्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा तथा अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके ज्वाइनिंग तक। हालांकि अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, अभी PSL आना बाकी है, अभी इनरोलमेंट आना बाकी है, अभी ज्वाइन लेटर भी आना बाकी है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे एयरफोर्स की एग्ज़ाम को क्रैक किया, ना कि क्रैक किया बल्कि एग्ज़ाम को फोड़ के रख दिया। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कैमरे के सामने मेरा पहला वीडियो है, मुझे हेजिटेशन फील हो सकता है, आप लोग इस पर बिल्कुल ना ध्यान दें, वीडियो पर ध्यान दें। मैं आपके अगले 10 से 15 मिनट लेने वाला हूँ, आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा यादव है, मैं बेसिकली UP से बिलोंग करता हूँ, मेरा होम टाउन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपना इंटर 2017 में कम्प्लीट किया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई बहुत एडवांस टाइप का स्टूडेंट नहीं था। मेरे इंटर में 80% मार्क्स थे, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना था क्योंकि यह मेरा सपना था। फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, मैंने कोचिंग करने के लिए मैं इलाहाबाद गया, मैंने वहाँ एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, बट मुझे कोचिंग में बहुत अधिक एडवांटेज नहीं मिला, बिकॉज कोचिंग में जितना पढ़ाया जाता था उतना मुझे पहले से ही ऑलरेडी आता था। मैंने इलाहाबाद में साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन किया और वहीं से मैंने NCC भी की। फिर मैं कोचिंग के बाद मैं अपने रूम पर ही रहकर पढ़ने लगा। मैंने 2018 का पहला इंटेक दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं एक नंबर से रह गया। फिर 2018 का दूसरा इंटेक दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसमें मैं दो नंबर से रह गया। फिर मैंने 2019 का पहला इंटेक दिया, उसमें उस टाइम कट ऑफ गई थी 28.75 और मेरे मार्क्स थे 36.25 मार्क्स थे। इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कट ऑफ तो क्लियर कर ली थी बट मेरी सेक्शनल कट ऑफ में मैं रह गया था। मैं इंग्लिश में 0.25 मार्क्स से रह गया था, मेरे इंग्लिश में 9.75 मार्क्स थे। मुझे बहुत दुख हुआ, उस रात मैं बहुत रोया था, क्योंकि 0.25 नंबर से पीछे रह जाने का दुख एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जो ऑलरेडी पहले से ही 2 बार फेल हो चुका था। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, मैं लगातार 3 अटैम्प्ट में फेल हो गया था। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुका था, मुझे लग रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश की थी, मैं बहुत घंटे पढ़ा था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तीसरे अटैम्प्ट में भी। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुका था, मैं कितने भी घंटे दे लेता, कितनी भी पढ़ाई कर लेता, बट मेरे मार्क्स वही की वही, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स ने बहुत समझाया, बोले भाई तुम्हारा यह लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मेरे कई दोस्त जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, कुछ दोस्त थे उनका सिलेक्शन हो चुका था 2019 के पहले इंटेक में, मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मुझे घर वालों ने भी मोटिवेट किया, बोले कि इस बार तेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार थोड़ा और मेहनत कर, इस बार तेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सोचा कि अब इतनी तैयारी की है तो एक लास्ट बार और देख लेते हैं, इस बार और अच्छे से मेहनत करेंगे। मैंने इस बार सोचा कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने खुद को एनालिसिस किया कि मेरा वीक पॉइंट क्या है और मेरा प्लस पॉइंट क्या है। फिर मैंने देखा कि मेरा वीक पॉइंट इंग्लिश है, इंग्लिश मेरा सच में वीक पॉइंट था, क्योंकि मैं 3 बार जो फेल हुआ हूँ उसका एकमात्र रीज़न इंग्लिश था। मैं हर बार इंग्लिश में कभी मेरा स्कोर 8 नंबर, कभी 9 नंबर, कभी 11 नंबर, ऐसे ही स्कोर में रहता था, जिसका मेन रीज़न था कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाता था बार बार। मैंने देखा कि मेरा इंग्लिश वीक पॉइंट है और मेरे फिजिक्स और मैथ मेरा स्ट्रांग पॉइंट था। फिजिक्स और मैथ में मैं 20+ स्कोर कर लेता था बट इंग्लिश में 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ऐसे ही स्कोर करता था। मैंने सोचा कि अगर इस बार ही इंग्लिश में ऐसा ही स्कोर हुआ, इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर मैंने इंग्लिश पर भी पैरेलली उतना ही फोकस किया जितना मैथ और फिजिक्स पर। धीरे धीरे मेरा स्कोर अब अच्छा होने लगा था, धीरे धीरे अब इम्प्रूव होने लगा था। हम लोगों का एग्ज़ाम 23 मार्च को था बट कोरोना की वजह से हम लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। फिर मैं घर चला आया, अपने घर पर ही रहकर प्रिपरेशन करने लगा। घर लॉकडाउन के टाइम पे जितना मुझसे हो सका 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, इसके बाद मेरे पास कोई अटैम्प्ट नहीं था। मैंने मुझसे जितना हो सका मैंने खुद को झोंक दिया, बिल्कुल जी जान लगा दी, ना दिन देखा ना रात देखा, 17 घंटे 18 घंटे जितना मुझसे हो सका मैंने मेहनत की। मैंने मेहनत की लगातार। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इस टाइम जो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग भी इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ये ना देखें कि दिन है कि रात है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, 4 से 5 लाख बच्चे बैठते हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम में, रिटर्न क्लियर कर पाते हैं ओनली 19 से 20 हज़ार, और Phase 2 तक पहुँचते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है मुश्किल से ओनली 5 या 6 हज़ार बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है।
इनरोलमेंट तक। एयरफोर्स में जाता कौन है? हम और आप जैसे बिल्कुल एकदम लोअर क्लास के लोग जाते हैं ना, तो उसमें मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, अपर क्लास की तो बात ही नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल से लगें, ईमानदारी से लगें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं और अपने सिलेबस को 2-3 बार अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। आप लोगों से ही मेरा रिक्वेस्ट है। फिर मैं अपनी जर्नी बताऊं, फिर मेरा जो है एग्ज़ाम 4 नवंबर 2020 को मेरा एग्ज़ाम लगा। मैंने एग्ज़ाम से पहले, मैंने 1 या 2 महीने पहले मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट परचेस किया परीक्षा ऐप पे। फिर मैं ऑनलाइन टेस्ट देता, इस बार मेरे ऑनलाइन टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। मेरे मार्क्स आते लगभग वही, मेरे मार्क्स आने लगे 55+ ही आते, 55 और 60 के बीच में मेरे मार्क्स आने लगे और मेरी रैंक जो है टॉप 20 में मेरी रैंक आने लगी। कभी टॉप 1 में आती, कभी टॉप 2 में आती, मेरी रैंक आने लगी ऑनलाइन टेस्ट में। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लेता था, अब इंग्लिश मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया था। अब इंग्लिश में मैं 17 नंबर 18 नंबर ऐसे स्कोर कर रहा था। मैं बहुत खुश था, मुझे लग रहा था इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट 4 नवंबर 2020 को मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने गया, पेपर अच्छा हुआ, मैंने सोचा इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बट अंदर से अंदर ही अंदर डर लग रहा था, बिकॉज 3 बार पहले से ऑलरेडी फेल हो चुका चुका था। आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, बट 3 बार फेल हो जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस गिर ही जाता है। फिर मैंने वेट किया 20 दिन, फिर हम लोगों का रिजल्ट आया 26 नवंबर 2020 को। हम लोगों का रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट देखा, मैं बहुत खुश हुआ। मैं खुशी के मारे आप लोगों को सच बताऊं, मैं रोने लगा था, बिकॉज ये मेरा पहला कोई चांस था जब मैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन, और मैंने अपने घर वालों को बताया, सब लोग बहुत खुश हुए। फिर मैंने फेज़ 2 की तैयारी शुरू की। मेरा फेज़ 2 जो था 20 जनवरी 2021 को था, फेज़ 2 मेरा था। मैं फेज़ 2 के लिए मैं गया कानपुर, कानपुर में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ फेज़ 2 की तैयारी की और मैं 20 जनवरी 2021 को मैं फेज़ 2 देने गया। मेरा फेज़ 2 था जो है असम में, असम गुवाहाटी बुरझार में था फेज़ 2। थोड़ा फेज़ 2 के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। फेज़ 2 में लगभग 180 बच्चे रिपोर्ट किए थे, जिसमें लगभग 90 बच्चे जो थे वो फेज़ 2 क्लियर कर पाए थे। बाकी जो बच्चे थे उनको बाहर कर रहे थे, पुशअप में बाहर कर रहे थे और जीडी में, मोस्टली बच्चों को जीडी में बाहर किए थे और पुशअप में बाहर कर रहे थे। मेरा फेज़ 2 क्लियर हो गया था। अब बारी थी फेज़ 3 की, यानी मेडिकल की। जो मेरा फेज़ 3 था, वो मेरा फेज़ 3 था 6 फरवरी को। मेरा फेज़ 3 था 6 फरवरी 2021 को, मेरा फेज़ 3 था। मेरा फेज़ 3 वहीं असम गुवाहाटी तेजपुर स्टेशन पे था। मैं फेज़ 3 देने गया मेडिकल, बट थोड़ा मेडिकल के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। मेडिकल में 42 बच्चे रिपोर्ट किए थे, जिसमें अनस्पॉट ग्रीन कार्ड केवल और केवल 10 या 12 बच्चों को मिला था, बाकी सबको रेड कार्ड दिया गया था। मोस्ट ऑफ बच्चों के जो कॉमन पॉइंट थे उनके थे ईसीजी था, एक्सरे था, यही जो था यही मोस्ट ऑफ बच्चों के कॉमन पॉइंट थे जिनमें उनको रीमेडिकल मिला था। मेरा भी जो रीमेडिकल था वो ईसीजी में था, ईसीजी एबनॉर्मली टेकिकार्डिया। हालांकि ईसीजी कोई बीमारी होती नहीं है, बट बच्चे उसमें घबरा जाते हैं जब उनके ऊपर जो है मशीन लगाई जाती है हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो उनका हार्ट बीट जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जिससे उन ईसीजी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम लोगों को ईसीजी में रीमेडिकल मिला। जो मेरा रीमेडिकल था वो था 26 फरवरी 2021 को, मेरा री मेडिकल था, वो था एयरफोर्स बेस हॉस्पिटल जोरहाट आसाम गुवाहाटी, ये भी वही गुवाहाटी में ही था मेरा रीमेडिकल में देने में गुवाहाटी गया। रीमेडिकल में मैंने क्लियर किया और मुझे ग्रीन कार्ड मिला। मैं बहुत खुश हुआ, बिकॉज़ ये मेरा लास्ट टाइम था और इस बार मुझे रेड कार्ड भी मिला। फिर मुझे डर लगने लगा कि शायद हो या ना हो, बट ईसीजी में मैं क्लियर कर गया और मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। वहाँ जोरहाट में जो है रीमेडिकल बहुत इजी हुआ था, लगभग मोस्टली सभी बच्चों को रीमेडिकल में क्लियर कर दिए थे। वहाँ ऑन स्पॉट रीमेडिकल में भी किसी को बाहर नहीं किए थे, जिनको उनको थोड़ा डाउट लग रहा था उनको दोबारा से रीमेडिकल दे रहे थे और उनको चेन्नई भेज रहे थे। फिर मेरा जो है हम लोग अपने घर चले आए। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार जो आप लोगों को मौका मिला है, आप लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएं तथा जितना आप लोगों से बन सके 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे उतना पढ़ें। बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, हर कोई कभी कभी कोई खाली नहीं रहता है, कभी कोई जा भी रहा है मोबाइल में पढ़ रहा है, फ़ोन से अपने पढ़ रहा है।
इसलिए आप उस लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ, एक प्रॉब्लम और आपको लोग बता दूं जो आप लोगों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऑनलाइन क्लास देता था, ऑनलाइन टेस्ट देता था, बट आप लोग जिस टीचर को फॉलो करें उसी टीचर को फॉलो करें। ये नहीं कि 50 टीचरों को फॉलो कर लो, एक टीचर से का क्लास खत्म हो दूसरे टीचर के क्लास में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। बिकॉज खुद से पढ़ना भी आप लोगों को बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे, बुक से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं होंगे। टीचर आपको कितना पढ़ा देगा, वो आपको क्वेश्चन समझा सकता है, टेस्ट दे सकता है, बट आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं करा सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी टीचर को फॉलो करें उसको एग्ज़ाम तक फॉलो करें। सबसे पहले टीचर को परख लें, उसमें क्या क्वालिटी है, वो कैसा कंटेंट दे रहा है, तो इस हिसाब से आप टीचर को फॉलो करें। आप ऐसे 50 टीचरों के पीछे ना भागें। आप हर सब्जेक्ट के एक या दो टीचर अच्छे से सुनिए और उन्हीं टीचर से पढ़िए। आजकल बच्चों का यही बहुत प्रॉब्लम है कि वो 50 टीचरों को चूज कर लेते हैं और वह पूरे दिन भर ऑनलाइन क्लासेस में ही लगे रहते हैं, वो बुक को देखते भी नहीं हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 50% ऑनलाइन प्लस 50% ऑफलाइन खुद से पढ़िए। और हाँ, मोस्ट ऑफ जो बच्चे फेज वन में बाहर होते हैं, उनका जो कॉमन सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश। मैंने देखा है 60-70% जो बच्चे फेल होते हैं, वह तो या तो ये इंग्लिश में फेल होते हैं या तो वह फिजिक्स में फेल होते हैं। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को पहले उतना ही फोकस करिए जितना सेम दूसरे सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। मेरा भी यही प्रॉब्लम था, जिससे मुझे 3 अटेम्प्ट मेरे बेकार गए, जिससे मैं 3 अटेम्प्ट में बाहर हो गया। मैं केवल और केवल मैथ्स में फोकस कर रहा था, इंग्लिश को मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को पैरेलली फोकस करिए। और हाँ, आप इंग्लिश से भी स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको पता है, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं आप अगले वीडियो में यह बताऊंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और हाँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ड्रीम एयरफोर्स, बिकॉज मैं अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बताऊँगा और आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बताऊँगा, कितने घंटे पढ़ना है ये बताऊँगा, और हाँ ये बताऊँगा कौन सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ बताऊँगा। आप लोग इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।